आज चलिए पालक बनाने की हम लोग तैयारी करते हैं। तो ये है पालक, आज बनाएंगे आलू पालक की सब्जी। तो ये पालक है, सर्दी के दिनों में बहुत सारे मिलते हैं, पालक हर एक मौसम में मिलता है लेकिन सर्दी के दिनों में ज़्यादा मिलते हैं। तो चलिए हम लोग आज आलू पालक बनाते हैं। तो इसको आज हम लोग साफ़ सफाई कर दें, उसके बाद चलते हैं काट के बनाने। पालक भी कई तरीकों से मिलते हैं, मैंने कई तरह के पत्तियाँ होती है, देखिए इसको हम लोग पालक कहते हैं, पालक ही कहा जाता है। इस तरीके से सब डंठल को हम निकाल देंगे, इस तरीके से। चलिए आज हम बनाते हैं पालक की सब्जी, आलू और पालक जो गांव में बनता है ना सरसों मसाले से, वो एक प्याज के मसाले से भी बनते हैं, लेकिन आज हम सरसों के मसाले से बनाएंगे, प्याज के मसाले से बाद में बना के दिखाएंगे। तो चलिए इस तरीके से सभी को हम छांट लेंगे। देखिए तो हमारी सारी सब्जियां कट गई हैं, पालक आलू और टमाटर। तो पालक को हमने धो के काटे हैं, क्योंकि कोई भी साग हो आप तो धो के काटिए, काट के धोनी नहीं चाहिए, भले हरी सब्जी कोई भी हो अपना काट कर जैसी मर्जी या तो धो के काटे या तो काट के धोए, लेकिन साग को कभी भी आप धो के काटे, ठीक है। तो ये हो गई पालक आलू और टमाटर। तो चलिए मसाले की ओर। तो ये हमारे सारे मसाले हैं, ये है हल्दी पाउडर, धनिया, जीरा, सरसों, लहसुन और ये लाल मिर्च। तो ये सारे मसालों को पहले हम पीस लेते हैं, उसके बाद बनाने चलते हैं। चलिए हमें एक जार ले रखा है, उसमें लहसुन, लाल मिर्च, जीरा, सरसों, धनिया और हल्दी भी पीसी हुई है, लेकिन हम इसमें भी पीस देते हैं। अब उतना ही पानी डालेंगे जितना हमारा ये पीस जाए। तो चलिए हम पीस लेते हैं मसाले को, पीस के आते हैं। देखिए तो हमारे मसाले पीस के रेडी हो गए, अब चलिए बनाने की ओर चलते हैं। तो हमने फोड़न के लिए जीरा और लाल मिर्च ले रखा है, जीरा और सूखा खड़ा जीरा और सूखी लाल मिर्च, तो इसको हमने तोड़ के रख दिए हैं। तो चलिए आज हम दिखाते हैं पालक की सब्जी बनाते हैं। चलिए तो हमने कढ़ाई को रख दिए हैं, अब इसमें डालते हैं सरसों का तेल। सरसों तेल अगर जल गर्म हो जाता है तभी फूरन डालेंगे, सरसों तेल को गर्म होने देंगे। चलिए तो लग रहा है हमारा तेल गर्म हो गया है, अब इसमें डाल देंगे हम सारे फोड़न, फोड़न को अच्छी तरह से कड़कने देंगे। हमारा फोड़न कड़क गया है, इसमें डालेंगे कच्चा आलू। कच्चे आलू को हम पहले तेल में फ्राई करेंगे, या तो आप अलग से भी फ्राई कर सकते हैं या तो फोड़न में भी। हम पहले भी बता चुके हैं, अगर कच्चा आलू हो तो आप पहले तेल में फ्राई कर दें, क्योंकि टेस्ट इसका अलग हो जाता है फ्राई करने से। कच्चे आलू को फ्राई करके ही डालें, या तो अलग से डालें या तो फोड़न में भी फ्राई कर सकते हैं, इससे क्या होता है कि सब्जी का टेस्ट कुछ अलग रहता है। तो हमने फोड़न में ही उस आलू को फ्राई कर दे रहे हैं, अच्छी तरह से अगर फ्राई हो जाए तब हम मसाले डाल के फ्राई करेंगे। देखिए तो हमारे आलू अच्छे से ये फ्राई हो चुके हैं, अब इसमें चलिए डाल देते हैं हम सारे मसाले जो पीस के रखे हुए थे। मसाले को अच्छी तरह से अब फ्राई करना है। मसाले को कभी भी फ्राई करते समय आपको पहले भी बताया है कि मसाले ढक ढक के एकदम मीडियम आंच पे हम लोग को पकानी है, ताकि मसाले अच्छे से फ्राई हो जाए। चलिए तो हमारे मसाले देखते हैं फ्राई हो गई आधा, तो आधे मसाले कभी भी फ्राई कोई भी सब्जी में हो जाए तभी टमाटर डालें। टमाटर के साथ ही स्वाद अनुसार नमक डाल देने से क्या होता है कि टमाटर अच्छी तरह से गल जाते हैं, तो हम इसी समय नमक डाल देंगे। अपने अंदाज से डाल देनी चाहिए, क्योंकि अगर हरी सब्जी भी है तो ऊपर से डालेंगे ना,
इसलिए स्वाद अनुसार ही नमक डालें। अब इसको भी हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। देखिए तो हमारे टमाटर मसालों के साथ अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसी में आप फ्राई जब हो जाए उसी तरह से सब डालेंगे हमारे पालक। जब सारे मसाले भुन जाए तभी कोई साग या सब्जी डालें, क्योंकि हरे सब्जी पानी छोड़ते हैं, इस चलते वो मसाले अच्छे से भुन नहीं पाएंगे। और हमारे मसाले अच्छे से भुन गए हैं तो हमें इसको डाल के अब थोड़े देर के लिए हल्का सा फ्राई करके तब पानी डालेंगे। दो तीन मिनट हम इसी तरह मसालों में इसको मिक्स कर देंगे। देखिए तो कुछ देर हमने इसी तरीके से पालक को चला के मसालों में फ्राई कर लिया। अब डालते हैं पानी। पानी हम उतना ही डालेंगे जितना हमको ज़रूरत है, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे नहीं तो पानी पानी हो जाएगा। चलिए तब इसको थोड़ी देर के लिए हम पका लेते हैं, उसके बाद तैयार है हमारी सब्ज़ी। चलिए तो हर फाइनल पे पहुंच गए हम लोग। चलिए तो देखिए हमारी सब्ज़ी पालक और आलू की हरी भरी मसालेदार सब्ज़ी। तो चलिए गैस को अब बंद करते हैं और निकालने की ओर चलते हैं। ये ठंडे के मौसम में बहुत सारे सब्ज़ी हरी भरी खाने को मिलती है। चलिए तो मसालेदार हरी भरी सब्ज़ी को निकाल के दिखाते हैं कैसी हमारी बनी हुई है। देखिए तो हमारी मसालेदार पालक की हरी भरी सब्ज़ी। चलिए तो फिर अगले रेसिपी में मिलते हैं।